कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 5 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। इस दौरान ईडी संजय सिंह से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को रिमांड के पहले दिन ईडी ने संजय सिंह से घंटों पूछताछ की। इस दौरान आप सांसद से कई सवाल पूछे गए। ईडी ने संजय सिंह का सवालों से सामना करवाने के लिए सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भी बुलाया। इस दौरान जांच एजेंसी ने सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई। बता दें कि संजय सिंह से पूछताछ के लिए ईडी ने चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई है। संजय सिंह से पूछताछ के लिए ईडी ने 100 सवालों की लिस्ट भी तैयार की है, जिसमें शराब घोटाले के किरदारों को लेकर कई सवाल है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संजय सिंह के घर पर कैश को सर्वेश मिश्रा तक किसने पहुंचाया। संजय सिंह से पूछताछ के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें दिल्ली शराब घोटाले की जांच में शामिल और कारोबारी और अधिकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। संजय सिंह खुद को बेकसूर बताने में लगे हैं। हालांकि ईडी को संजय सिंह के दावे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ईडी को शराब घोटाला मामले में संजय सिंह से जुड़े 3 किरदारों के बारे में पता चला है। इसमें से 2 सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेज कर बुलाया है, मगर इसमें 3रा किरदार वो शख्स है जिसने डिलीवरी मैन बनकर संजय सिंह के घर पर कैश को सर्वेश मिश्रा तक पहुंचाया। ईडी शराब नीति घोटाला मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका के पुख्ता सबूत है। पहले दिन यानी गुरुवार को आप राज्यसभा सांसद से ईडी ने 2 राउंड में पूछताछ की। इनमें से ज्यादातर सवाल वो हैं जिन्हें सर्वेश मिश्रा से जोड़कर पूछा गया। आइए जानते हैं कि ईडी ने संजय सिंह से कौन कौन से सवाल दागे। पहले राउंड में संजय सिंह से पूछे गए कौन कौन से सवाल। सर्वेश मिश्रा कौन है, आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है? सर्वेश मिश्रा ने आपके सरकारी आवास पर 1 करोड़ क्यों वसूले? क्या आपके कहने पर सर्वेश मिश्रा ने सरकारी आवास पर पैसे लिए थे? दिनेश अरोड़ा ने जब आपके घर पैसे भिजवाए तो आप घर पर थे या नहीं? क्या दिनेश अरोड़ा से सर्वेश मिश्रा ने पैसे लिए, इसकी आपको जानकारी थी? पुख्ता सबूत हैं कि आपके घर पर लेन देन हुआ, आपका क्या कहना है? आपके मोबाइल में शराब घोटाले से जुड़े लोगों के नंबर हैं, ऐसा क्यों? घर पर डिलीवरी हुए पैसों का क्या हुआ? सर्वेश ने 1 करोड़ किसे दिए? दूसरे राउंड में पूछे गए सवाल। आप दिनेश अरोड़ा को कब से जानते हैं? दिनेश अरोड़ा ने आपको 2 करोड़ रुपए क्यों दिए? दिनेश अरोड़ा को आपने मनीष सिसोदिया से क्यों मिलाया? आपके घर पर केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की मीटिंग क्यों हुई थी? क्या आपने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से अपने आवास पर बैठक की थी? आपके अलावा इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे? एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? अगर आपकी कोई भूमिका नहीं थी तो दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपए क्यों लिए? 2 करोड़ रुपए आपने अपने पास रखे या पार्टी को दिए? दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में आपको पैसा देने की बात क्यों कही? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब ईडी खोज रही है।